नमस्कार, मैं प्रिया, बिहारी न्यूज में आपका स्वागत है। बिहार में जब से नीतीश सरकार आई है, सड़कों का विकास जोर शोर से देखने को मिला है। बीते 20 साल के आंकड़ों को देखते हैं तो लगभग 1,25,626 किलोमीटर सड़कों के निर्माण कार्य को पूरा किया गया है। हालांकि इसके बावजूद अभी भी राज्य में प्रति 1,00,000 आबादी पर सड़कों की उपलब्धता कम है। हालांकि बिहार सरकार मास्टर प्लान बनाने का काम कर रही है। जारी आंकड़ों को देखें तो सड़कों की उपलब्धता का औसत राष्ट्रीय औसत से लगभग 392.77 किलोमीटर कम है। बिहार की बात करें तो यहां पर प्रति 1,00,000 की आबादी पर सड़कों की उपलब्धता करीब 135.02 किलोमीटर है। वहीं राष्ट्रीय औसत करीब 527.79 किलोमीटर है। वहीं बिहार में सड़कों के जाल को बिछाने के उद्देश्य के साथ काम कर रही बिहार सरकार ने अब सभी 534 प्रखंड मुख्यालयों को 2-लेन सड़कों से जोड़ने का काम करने वाली है। इतना ही नहीं, बिहार में विकास की गाड़ी को भी रफ्तार देने के लिए औद्योगिक और सांस्कृतिक कॉरिडोर सहित अन्य योजनाओं पर भी काम शुरू करने की तैयारी हो रही है। इससे लोगों के आवागमन की बेहतर सुविधा तो मिलेगी ही, साथ ही लोग अब नई सड़क का अनुभव ले सकेंगे। साथ ही बिहार में आर्थिक विकास भी अब संभव हो पाएगा। वर्तमान में जारी किए गए आंकड़ों को देखें तो देश भर में सड़कों की कुल लंबाई करीब 63,86,297 किलोमीटर है, जिसमें नेशनल हाईवे, स्टेट हाईवे, जिला सड़क और ग्रामीण सड़कें शामिल है। यानी कि देश में प्रति 1,00,000 आबादी पर सड़क की उपलब्धता करीब 527.79 किलोमीटर है। वहीं राज्य में 4 श्रेणी के सड़कों की कुल लंबाई लगभग 1,44,158 किलोमीटर है। इस बाबत पथ निर्माण मंत्री नितिन नवीन ने भी अपना बयान जारी किया है, जिसके तहत उन्होंने कहा है कि आने वाले समय में बिहार के लिए सड़कों के विकास को लेकर सरकार और भी महत्वपूर्ण कदम उठाने वाली है, जिसके तहत कई SH और NH शामिल किए गए हैं, जिसके तहत मास्टर प्लान के तहत सभी प्रखंड मुख्यालय को 2-लेन सड़क से जोड़ने का काम किया जाएगा। साथ ही औद्योगिक और सांस्कृतिक कॉरिडोर के लिए नई सड़क का निर्माण किया जाएगा। इसके साथ ही सरकार अन्य संभावनाओं पर भी विचार विमर्श कर रही है, जिसके बाद सड़कों के निर्माण हो जाने के बाद राज्य में औद्योगिक विकास होगा, जिससे पर्यटन को भी काफी बढ़ावा मिलेगा। सड़कों के विस्तार के बाद बिहार में पर्यटन की संभावनाएं भी बढ़ जाएंगी। इतना ही नहीं, सड़कों के जाल बिछ जाने के बाद अब पटना राज्य के किसी भी कोने से महज 5 घंटे में पहुंचा जा सकेगा। इसके साथ ही रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। वहीं अगर हम बिहार में NH की बात करें तो राज्य में साल 2001 में NH की कुल लंबाई 3410 किलोमीटर बताई गई थी, जिसके बाद अब यह बढ़कर करीब 5475 किलोमीटर हो गई है। यानी कि साल 2001 से अब तक लगभग 2065 किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। वहीं साल 2001 में SH की लंबाई लगभग 2383 किलोमीटर थी, जो कि अब 3713 किलोमीटर हो गई है। ऐसे में इसमें लगभग 1330 किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। वहीं बड़ी जिला सड़कों की लंबाई जहां साल 2005 में करीब 7739 किलोमीटर थी, वहीं इसकी लंबाई अब लगभग 14969 किलोमीटर हो गई है। यानी कि इसमें लगभग 7230 किलोमीटर की बढ़ोतरी हुई है। वहीं अगर हम ग्रामीण सड़कों की बात करें तो साल 2001 में इसकी लंबाई 800 किलोमीटर थी, यह अब बढ़कर करीब 1,16,000 किलोमीटर है। ऐसे में लगभग 15,200 किलोमीटर ग्रामीण सड़कें बनी है। इसके साथ ही आज के इस वीडियो में बस इतना ही। तब तक के लिए धन्यवाद।